सब्सक्राइब कीजिए डबल ए क्रिएशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको एक कॉन्सेप्ट तो मालूम ही होगा कि अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह पर सूर्य निकल रहा होता है, क्योंकि धरती गोल है और ये लगातार घूम रही है, तो इससे में कहीं गुड इवनिंग हो रही होती है और कहीं गुड मॉर्निंग। लेकिन क्या पूरी धरती पर एक साथ एक ही टाइम जोन टाइम हो रहा होता है क्या? मसलन जब इंडिया में रात के 9 बज रहे होते हैं, क्या उस वक्त न्यूयॉर्क में भी रात के 9 बज रहे होते हैं? और क्या लॉस एंजल्स में भी रात के 9 बज रहे होते हैं? जवाब है इसका नहीं, क्योंकि जब इंडिया में रात के 9 बज रहे होते हैं उस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 11:30 और लॉस एंजल्स में सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं। यानी कि एक ही देश अमेरिका में दो अलग अलग टाइम जोन है। इसी को लेकर भारत में भी एक कवायद चल रही है कि भारत में भी दो अलग अलग टाइम जोन होने चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो जान पाएंगे कि आखिर टाइम जोन कैसे, आखिर क्या फर्क पड़ेगा दो अलग अलग टाइम जोन होने से भारत में। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो जान पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं डबल ए क्रिएशन। तो लेट्स स्टार्ट। डबल ए क्रिएशन मेक्स अ न्यू विजन। इंडिया में अभी तक ऐसा है कि यदि दिल्ली में रात के 9 बज रहे होते हैं तो पूरे देश भर में रात के 9 बज रहे होते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि कवायद चल रही है कि ईस्ट में अलग टाइम जोन होना चाहिए और वेस्ट में अलग टाइम जोन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टाइम सवाल लेते हैं कि आखिर टाइम जोन होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि धरती गोल है। इस धरती पर लोकेशन देने के लिए इसे 360 खड़ी और 180 लेटी हुई लाइनों में बांटा गया है। खड़ी लाइंस देशांतर रेखाएं और लेटी हुई लाइंस अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। धरती पर किस वक्त किस जगह पर क्या टाइम हो रहा होगा खड़ी लाइंस यानी कि देशांतर रेखाओं के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। वो एरिया जिसमें आने वाली सभी जगहों पर एक साथ एक ही वक्त होता है टाइम जोन कहलाता है। यानी कि बात करें इंडिया में यदि रात के 9 बज रहे होते हैं उस वक्त, यदि किसी दूसरे और देशों में भी रात के 9 बज रहे होते हैं तो वो सारे एक ही टाइम जोन में आते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल यह है कि किस जगह क्या टाइम होगा, इसे कैसे डिसाइड करते हैं। असल में धरती पर टाइम और टाइम जोन से जुड़े हर सवाल का जवाब एक ही वाक्य से शुरू होगा कि धरती गोल है। इस गोल धरती को 360 खड़ी लाइनों में बांटा गया है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि 360 लाइनें 24 घंटों में बांटी गई। यानी कि अब कायदे से हर लाइन के बीच में देखें तो 4 मिनट का अंतर होगा। अब एक लाइंस को रेफरेंस ले लिया गया, बताया गया कि समय का बंटवारा वहां से होगा, उस लाइन के लेफ्ट में समय घटता है और राइट में समय बढ़ता है। अब अगला सवाल, तीसरा सवाल यह है कि इंडिया में टाइम का क्या मामला चल रहा है, आखिर टाइम दो टाइम जोन लेने को क्या बात चल रही है। हमारे देश में हर जगह एक साथ ही एक ही वक्त होता है, यानी कि भारत में अभी एक ही टाइम जोन है। साइंस समझने वाले से आने लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि देश में भी दो टाइम जोन होने चाहिए। सन 2002 में एक कमेटी बनाई गई थी जो इस बात पर रिसर्च के दम पर वो फैसला लिया कि देश में एक और टाइम जोन होना चाहिए। कमेटी ने कहा कि दूसरा टाइम जोन लाने पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी। गुवाहाटी कोर्ट में एक PIL भी दायर हुई थी जिसका कहना था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए दूसरा टाइम जोन बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस PIL को फिलहाल तो खारिज कर दिया था। चौथा सवाल है, अलग टाइम जोन से क्या होगा। यही है असली मुद्दा, इसे समझना भी जरूरी है। अगर दूसरे टाइम जोन को इंट्रोड्यूस करने से मामला कॉम्प्लेक्स होगा तो दूसरी तरफ देश में बिजली बचेगी। अब आप सोच रहे होंगे बिजली कैसे बचेगी। आगे चलिए देखते हैं, बताते हैं ना। तो आप सोच रहे होंगे कि बिजली कैसे बचेगी, तो इस वीडियो को देखते रहिए, हम बताते हैं आपको। नक्शे पर अगर इंडिया को पूरब से पश्चिम तक देखा जाए तो पूर्व में सबसे किनारे पर जो गांव है वो है अरुणाचल प्रदेश का डोंग गांव। वहीं पश्चिम में सबसे कोने पर मिलता है गुजरात का गुहर मोती गांव। यानी कि इंडिया डोंग से गुहर मोती तक फैला हुआ है। अब देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 97 डिग्री 24 मिनट पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। एक बड़ा एरिया है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां के लिए एक ही अलग टाइम जोन बनाए जाने की बात हो रही है।
होता ये है कि नॉर्थ ईस्ट में बाकी इंडिया के मुकाबले सूरज जो है वो जल्दी निकल आता है, लेकिन दफ्तरों की टाइमिंग बाकी इंडिया के हिसाब से ही चलती है। सरकारी कामकाज 10 बजे से ही शुरू होता है। अब अगर बाकी हिस्से के मुकाबले सुबह जल्दी हो रही तो जाहिर सी बात है शाम भी जल्दी होगी, यानी कि रोशनी कम हो जाने के बाद भी देश के उस हिस्से में दफ्तरों में कामकाज चलता रहता है, यानी कि बिजली की जो खपत होती है वो लगातार हो रही होती है। ऐसे में अगर वहाँ के लिए नया टाइम जोन बना दिया जाए तो वहाँ के दिन शुरू होते ही काम शुरू हो सकता है और दिन के खत्म यानी कि ढलने पर काम बंद किया जा सकता है। सरकारी कैलकुलेशन के हिसाब से नए टाइम जोन को बनाने से 1 साल में 2 करोड़ किलोवाट बिजली बचाई जा सकती है, और इतनी बिजली में 100 वाट के 23,000 बल्ब 1 साल के लिए जल सकते हैं। तो समझ सकते हैं कितनी बिजली बच सकती है, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। और आप बताइएगा कि आपको ये टाइम जोन वाला मामला कैसा लग रहा, क्या वाकई इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए, क्या जरूरत है 2 टाइम जोन की? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। डबल एक रिसेंट टीवी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टा ट्विटर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।